हे गाइस, तो आज मैं लेके आई हूँ आर्टिफिशियल नेल का वीडियो लेके आई हूँ गाइस, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आर्टिफिशियल नेल यूज़ कर रही थी तो मुझे लगा अच्छा रहा, मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया था। मैंने सोचा पहले मैं यूज़ कर लूँ कैसा रहता है, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस, जो भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ मुझे अच्छा लगता है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस। तो मैंने ये देख सकते हो आप, आर्टिफिशियल नेल मैंने लगाए हैं। मुझे कभी कभी ऐसे नेल बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बड़े नेल होते हैं कितना अच्छा लगता है। इस बार इसलिए कभी फेस्टिवल आता है, कहीं भी जाना होता है तो उस टाइम मैं आर्टिफिशियल नेल लगाती हूँ, और होम घर पर लगाती हूँ गाइस। मैं घर पर आर्टिफिशियल नेल किया है मैंने, आप लोग देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हो। मैंने 3 दिन से हो गए अब मेरे आर्टिफिशियल नेल का, अभी तक निकला नहीं है, फिर उसके बाद मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है गाइस। तो वेरी ब्यूटीफुल गाइस। तो कौन कौन से मैंने चीज़ यूज़ की है, बहुत कम रेंज में गाइस आर्टिफिशियल नेल आप नेल पे लगा सकते हो गाइस, बहुत कम पैसे में हो जाता है गाइस। तो इस तरह से आप नेल आर्टिफिशियल घर पे कर सकते हो। तो कौन कौन सी चीज़ मैंने यूज़ की है वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। आपको ऑनलाइन में बहुत अच्छे मिल जाएगी गाइस ऐसे आर्टिफिशियल नेल, क्योंकि ऑनलाइन में अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती है, जिसके नायका है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, काफ़ी अच्छी ब्रांड होती है, वहाँ में भी आप आर्टिफिशियल नेल मिल जाएगी। ग्लू भी मिल जाते हैं गाइस, अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना है तो आप स्टोर में जाके, बाहर स्टोर में भी आपको मिल जाएगी। ग्लू भी मिल जाएगा, ग्लू अच्छी क्वालिटी का, जैसे जैसे आप अच्छी क्वालिटी का लोगे उस टाइप का आपको ग्लू नेल पे नेल टिका रहेगा। सबसे पहले जो भी हमारे नेल पे लगा हुआ है नेल पेंट उसको रिमूवर कर देंगे नेल रिमूवर से। फिर उसके बाद हमें हमारे साइज के, नेल की साइज के हिसाब से हमें नेल निकालने हैं। आपके पास 20 हो गए, 12 हो गए, कभी कभी किस अलग अलग टाइप के होता है पैकेज, तो आपको लगे कि मेरे अंगूठे पे कौन सा सेट होता है, उसमें इसमें कम्फर्टेबल से जिन नेल है उनको आपकी नेल की साइज के हिसाब से आप कर सकते हो। और उसके बाद सभी एक सर इस टाइप के हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक एक नेल को ग्लू लगा के चिपकाना है, और चिपकाने में 5 मिनट तक तो आपको उसे प्रेस करके रखना होगा, क्योंकि उसके नेल अच्छी तरह से चिपक जाए। और बिल्कुल हार्मफुल नहीं है गाइस, ऐसा भी नहीं है कि नेल चिपक जाएगा तो हमारे जो रियल नेल है वो निकल जाएगा, कुछ उसमें होगा प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा गाइस। बेझिझक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम यूज़ कर रही हूँ, मेरे नेल पे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके इस नेल की साइज़ के हिसाब से आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा है तो आपको इसको घिस के थोड़ा सा छोटा उसको शेप दे सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे नेल लग रहे हैं, मैंने अंगूठे पे लगा दिया है तो अच्छे से चिपक गया है। अभी मेरा दूसरा नेल थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसको शेप दिया है, और अपने अच्छे नेल पर आ गया सेट। तो उसके बाद मैं ग्लू लगा के उसको चिपकाऊँगी, और ग्लू लगा के मैं उसको चिपकाऊंगी, अच्छी तरह से वो चिपक जाएगा। और इस तरह आप देख सकते हो मेरे नेल कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं गाइस। ऐसे नेल आर्ट आप भी कर सकते हो घर पे, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, हमारे कुछ भी हमारे नेल रियल नेल को हार्मफुल नहीं होता है। मुझे कभी कभी मैं ऐसे कर देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और एक मुझे ऐसे नेल कभी आप छोटे भी कर सकते हो, आपको लगता है कि आपके ज़्यादा बड़े हैं तो आपको उसको नेल कटर से कट करके छोटे भी कर सकते हो। देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे। फिर गाइज, हम NY की मैंने नेल पेंट लिया है, तो रेड कलर का है, थोड़ा सा सिमिली है, तो ये ऐसे नेल पेंट मुझे अच्छी लगती है। तो फिर मैं उसके बाद नेल पेंट ऊपर करूँगी, तो आप लोग देखना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि नेल पेंट करने के बाद बिल्कुल ऐसे फेक नेल नहीं लगेगी। और आपको निकालना हो तो पानी न॔र्मल सा गर्म पानी में आप 2-3 मिनट रखोगे हाथ, तो अपने आप नेल निकल जाएगी गाइज, और इतनी अच्छी लग रही है नेल, देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल है। आपने देखा मेरे नेल बहुत अच्छे लगे, ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कभी कभी फेस्टिवल आती है तो उस टाइम ऐसे ऐसे मैं कभी नेल आर्टिफिशियल नेल लगा के शौक पूरे करती हूँ। तो आप लोगों को बेस जग यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी नेल्स काफ़ी टाइम तक, कभी कभी 1 वीक तक भी रहता है, आपके ऊपर डिपेंड है गाइज आप किस तरह से आपको यूज़ करते हो। कभी कभी आप अपने नेल की कभी फिंगर को नेल की तरह भी आप कभी नेल का यूज़ करते हो तो उस टाइम से आप कभी 3 या 4 दिन में कभी निकल जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है किस टाइप से आप अपने नेल को यूज़ कर रहे हो। ट्राई करो कि नेल को ज़्यादा मत यूज़ करो तो 1 वीक तक तो रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।